ईमान नजर आते हैं, मेरे सरकार के एहसान नजर आते हैं, मेरे सरकार के एहसान नजर आते हैं। क्या मिटाएगा कोई जेरो जबर कुरान के, सबके सब हाफिज कुरान नजर आते हैं, क्योंकि हुबहू शक्ल वो इंसान नजर आते हैं। क्या बात है, हुबहू शक्ल वो इंसान नजर आते हैं भूरे भाई, हुबहू शक्ल वो इंसान नजर आते हैं। सादे कपड़ों में भी जीशान नजर आते हैं, आते हैं। कुछ बड़े होके भी लगते हैं भिखारी जैसे, वो चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। कितने आशिक रसूल ऐसे हैं जो ये कहते हैं, मैं ये नहीं कहता इसे सुल्तान बना दे, मैं ये नहीं कहता इसे सुल्तान बना दे, बच्चे को मेरे हाफिज कुरान बना दे। चोट पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, हमारी चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, कौन बांधेगा। हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा।
मुख्तार करेंगे। एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, मगर क्यों, क्या कह रहे हैं यार मम्मा? हाँ क्या बात, क्योंकि नहीं, बड़ी हसीन बात कही आप। अब क्या कहना चाहे मियां, हम ये मुल्क हिंदुस्तान गंगा जमुना की तहजीब की मिसाल है। वाह क्या बात है, और मेरी पार्टी में आप हिंदुस्तान देख सकते हैं। शीतल होलकर साहब पैड बजा रहे हैं, महेश कुमार राव तबला बजा रहे हैं, जुनेद सुल्तानी गा रहे हैं, क्या बात है। तो ये एकता बहुत जरूरी है, मगर जो आपने मिसाल की बात कही और जो दूसरी बात कही आपने, वो कहीं ना कहीं तक इस मिश्रो में बयान करूंगा। ये ऑडियंस ललितपुर की है, किसी गांव गट्टे की नहीं, ललितपुर की ऑडियंस है। खाली मिश्रा पढ़ दो तो पूरे एक शेर पढ़ दो तो गजल का मफहूम समझ जाते हैं ये लोग के, गजल है कितने पानी। क्या बात है, यही स्टेज है जहाँ पे मैंने सबसे पहली मरतबा वो गजल गाई थी, और आज तक वो लोगों की जबान से सुनता हूँ मैं। बड़ी अच्छी फेमस गजल हुई थी, छोटी बहर की फरमाइश हुई थी। खैर बहरहाल ये मिसरे सुने, हो बख्शिश हमारी अहमद मुख्तार करेंगे, 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 बख्शिश हमारी अहमद मुख्तार करेंगे। नबी के इश्क में मैं अपनी जान दे दूंगा। मिसरे सुनना, चार मिसरे सुनना भाई, चौथे मिसरे पे दाद चाहता हूं आप लोगों की, तीन मिसरे तक साइलेंट रहें। नबी के इश्क में मैं अपनी जान दे दूंगा, जान क्या चीज है ये सारी शान दे दूंगा, कहा बूझल ने मैं तेरे होठों को सी दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। बात जहां पहुंचाई है पहुंच गए ना, क्या कहें, अजा सुनकर मेरा दिल खूब खुशी से झूम उठता है। क्या कहें, क्योंकि यार मूड बना दिया भूरा मामू तुमने यार। हाँ भाई अब मूड बना दिया, अब सुनो, अब तुमने मुझे छेड़ा है अपना। ये पंडित शिवम मिश्रा जी बैठे हैं मेरे पास। क्या कह रहे हैं, क्या बात है दोस्तों, पंडित शिवम मिश्रा जी बैठे हैं, एक पंडित हैं ये, कथा करते हैं मगर आशिक़ रसूल है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, तालियां कम बजी। ये पंडित शिवम मिश्रा जी हैं मगर ये आशिक़ रसूल हैं, आशिक़ बैत हैं, आशिक़ अहले बैत हैं।
मगर कैसे, ये मंच वो मंच है जहां से एकता की मिसाल बहुत दूर तक जाती है। बैठ जाइए, ये हमारी एकता है, क्योंकि हम ये ना, ये हमारी एकता है। हाय 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 यार, वाह पंडित जी, आपने मूड बना दिया, मुझे यहाँ से माथुर लखनवी याद आ गए। जन्नत में ये कहते हुए घुस जाएंगे माथुर, जन्नत में ये कहते हुए घुस जाएंगे माथुर, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं। और माथुर लखनवी एक हिंदू शायर है, मगर आशिक हुसैन थे, आशिक नबी थे। वो अपने दूसरे मिसरे में कहते हैं कि इतना रोया हूं मैं अखमे शब्बीर में, इतना रोया हूं मैं अखमे शब्बीर में, अरे मैं तो हिंदू रह गया, आंखें मुसलमान हो गई। आंखें मुसलमान हो गई। नवाजिश, मेरे बड़ों की दुआएं मुझे मिलती रहे, मेरे लिए सर का ताज है, मौला सलामत रखे। मगर क्यों, मगर अब आचार्य प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं, पंडित जी को देख के मुझे याद आ गए, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का, थैंक यू सर, हलीमा के दुलारे हैं, फकत अपना समझ कर तुम उन्हें तकसीम ना करना। पंडित जी कह रहे थे मुझसे भी, फकत अपना समझ कर तुम उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं, नबी जितने जो कुछ भी
हदीस।